ओ हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज थी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। मैं इतने दिनों से कहता था कि भाई स्मैकडाउन को थोड़ी सी अच्छी करो, जो एंडिंग होती है स्मैकडाउन की वो बेटर करो। एंड भाई ये बात शायद से किसी ने सुन ली, WWE ने सुन ली। एंड आज का जो स्मैकडाउन था भाई लगभग काफ़ी कमाल का था। एंड जो एंडिंग थी, सबसे मेन बात जो एंडिंग होती है भाई स्मैकडाउन की वो बहुत ख़राब होती है, बट इस बार की जो आज की जो एंडिंग थी वो काफ़ी कमाल की थी। बात करते हैं उसके बारे में। पूरी शो की तो मैं डिटेल वाइज नहीं बताऊंगा आपको, जो इपिक मोमेंट्स थे, जो काफ़ी क्रेजी मोमेंट्स थे इस स्मैकडाउन के अंदर, उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में ही मैच देखने को मिलती है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, वो भी जिमी जेउसो वर्सेस न्यू डे की। ये मैच आपको पहले ही पता होगा, दो हफ्ते पहले ही बुक किया गया था। एंड इस मैच के अंदर भाई मतलब कि जो भी क्राउन ज्वेल के अंदर जो भी नए टैग टीम बनेंगे वो न्यू डे के साथ लड़ेंगे स्मैकडाउन के अंदर। बट वैसे कुछ होता नहीं है, अपने जिमी जे उसे ही जीतते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर। तो एज यू नो इनके बीच में मैच होती है। एंड ये मैच इतनी लंबी मैच थी, मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आपने पहले शो को स्टार्टिंग में देख लिया होगा आपको पता लग गया होगा कि कितनी लंबी मैच थी। ये बहुत लेंदी मैच थी, बट लेंदी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग मैच थी। मतलब कि एक बार से ऐसे लग रहा था कि भाई मैं इस मैच को स्किप कर दूँ, बट जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं पता नहीं लग रहा था कि भाई कौन जीतेगा इस मैच के अंदर। बहुत कमाल की। एंड अपने ट्रैवल शिप रोमन रेंज भी इस मैच को बैक स्टेज देख रहे थे। इतनी डिफिकल्ट मैच थी, फिर भी अपने जो यहाँ पे जिमी जेउसो इस मैच को जीत लेते हैं, स्टिल अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, टैग टीम चैंपियन बने रहते हैं। तो काफ़ी कमाल की मैच थी। न्यू डे को भाई दाद देनी होगी, इतनी कमाल की मैच उन्होंने की है। एंड उसके बाद हमको एक मैच होती है, जो होती है शिंजू के नाकामोरा वर्सेस सैंटोस एस्कोबार की मैच। एंड इस मैच के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सैंटोस एस्कोबार इस मैच को जीत लेते हैं, क्योंकि उनके साथ दो बंदे थे जेलिना वेगा वगैरह, तो उन्होंने उनको हेल्प कर दी एंड नाकामोरा को हारना पड़ जाता है। उसके बाद हमको वुमेन्स की नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए मैच थी, जो भी जीतेगा वो फेस करेगा वॉर गेम्स के अंदर रोंडा रॉजी को फॉर दी WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। एंड इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे भाई वो थे रकेल रॉड्रिग्यूस, शॉर्टजी ब्लैक हार्ट, जिया ली, लेसी इवेंट्स एंड अपनी लिव मॉर्गन। अब इस मैच के अंदर मुझे पता नहीं इतना क्यों इस मैच को इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया गया, बट थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, काफ़ी कमाल की मैच थी। एंड इसके अंदर जो विनर है भाई वो थोड़ा सा अलग सा था, मतलब कि शॉकिंग था। इस बार शॉर्टजी ब्लैक हार्ट को मौका मिला है एंड शॉर्टजी ब्लैक हार्ट जो भाई इस मैच को जीती हैं। एंड अब सीधे सीधे वो सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर मिलेंगी अपने रोंडा रॉजी को विथ चैंपियनशिप के लिए। ये मैच होगी सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर। उसके बाद हमको शो के ऊपर गाइज वर्ल्ड कप देखने को मिलता है। वर्ल्ड कप का जो पहला राउंड था वो देखने को मिलता है, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जिंदर महल देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जिंदर महल बैक हो गए थे, जिंदर महल बैक आ चुके थे काफ़ी तगड़ी तरीके से। अब इतनी अच्छी मैच थी, यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन को जीतना पड़ जाता है एंड ब्रॉन स्ट्रोमन जीत जाते हैं। अभी कॉल्ड वर्ल्ड कप की जो नेक्स्ट मैच है वो अगले हफ्ते होगी, जो भी जीतेगा उनके बीच में मैच होगी एंड वो वर्ल्ड कप जीत लेगा। एंड हाँ, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो बंदा आया वो है ब्रॉन स्ट्रोमन। अब देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बैक स्टेज में जो चीज़ें हुई। बैक स्टेज में भाई अपने जो LA नाइट थे वो बात करते रहते हैं, अपने जो इंटरव्यू जो ले रही थी वो लेडी, मुझे पता नहीं उनका नाम क्या है, बट हाँ इनके साथ वो बात करते रहते हैं। अब उतनी ही बात होती रहती है, जो स्क्रीन होती है, जो टीवी होती है, वहाँ पे भाई अपने ब्रे वाइट का लोगो आ जाता है एंड पीछे से अचानक से ब्रे वाइट भी आ जाते हैं। अब ब्रे वाइट कहते हैं कि हेलो LA नाइट, कैसे हो, एंड यहीं पर इनकी थोड़ी बहुत बात होती है। एंड LA नाइट कहते हैं कि भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तो जो यहाँ पर कर रहा है, बट तू अभी मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, तो तू यहाँ से चला जा। फिर भाई अपने जो ब्रे वाइट कहते हैं कि अच्छा अच्छा तू मुझे बोलेगा। एंड भाई इनके बीच में थोड़ी बहुत यू नो बातों के साथ थोड़ी सी ब्रॉल होती है। एंड फिर भाई जो अपने LA नाइट है वो कहते हैं कि अब यहाँ से जो तेरी कट पुटली की जो चीज़ें हैं उनको जाके तू खिला, मेरे सामने मत ज़्यादा बात कर। एंड उतने में अपने जो ब्रे वाइट हैं वो कान के नीचे रख के देते हैं एंड दैट्स इट। यही था एक छोटा सा भाई चीज़। अब पता नहीं ब्रे वाइट एंड LA नाइट का क्या सीन है, बट बैक स्टेज में ये सब दिखाया गया। अब हम बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ। तो मेन इवेंट होता है भाई रोमन रेंस का स्पेशल मूवमेंट, अपने ट्राइबल चीफ का स्पेशल मूवमेंट। एंड स्पेशल मूवमेंट था गाइज बहुत ही तगड़ा,
क्राउन जूल को लेकर, एंड जब जैसे भाई अपने रोमन आते हैं पूरी ब्लड लाइन को लेकर, सैमी जेन नहीं थे आज, तो हाँ सैमी जेन नहीं थे, बट ब्लड लाइन आएंगे रोमन कहते हैं कि ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज वगैरह करो मुझे। एक्नॉलेज करने के बाद पॉलीमेन कहते हैं कि एक्नॉलेज उसोस को भी करना चाहिए क्योंकि उसोस ने भी इतना कमाल का काम किया है, इस मैच को कितने अच्छी तरीके से जीता है। इसके बाद वहाँ से ब्रॉलिंग ब्रूट्स आ जाती है। अब पता नहीं ब्रॉलिंग ब्रूट्स को क्या इतनी भाई चुल मची हुई है, बट हाँ ब्रॉलिंग ब्रूट्स को एक और जो बंदा है वो सपोर्ट करने आ गया था, वो थे अपने शेम। अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 101% भाई अपने शेमस इस वाले स्मैकडाउन के अंदर आएंगे, तो ऑफ कोर्स वैसे ही होता है। शेमस आते हैं, शेमस का माइक भाई वर्क नहीं करता है, आपको पता है हर बारी, एंड ये शायद से शेमस के कॉन्ट्रैक्ट में ही है कि आपका माइक जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे क्या होता है, शेमस कहते हैं कि देख भाई ट्राइबल चीफ, मैं तेरे से डरता वरता नहीं हूँ, मैं तुझे अभी रिंग में आके दिखाऊंगा कि तू मुझसे डरना चाहिए। एंड मुझे लग रहा था कि इनके बीच में ब्रॉल होगी, एंड जैसे रिंग के अंदर जाते हैं भाई इनके बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। और रोमन तो भाई एक साइड में होते हैं क्योंकि उनके जो अपनी ब्लड लाइन थी वो उनको मारना स्टार्ट कर देती है। उतने में ड्रू मैकइंटायर भी घुस पड़ते हैं। ड्रू मैकइंटायर भाई कल तक ये बंदा मुंबई में था एंड अचानक US में, पता नहीं भाई ये क्या सीन चल रहा था, क्या पता अपने ड्रू मैकइंटायर पहले ही इंडिया में आ गए होंगे 2-3 दिन पहले, उसके बाद हमको दिखाया गया होगा, छोड़ो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्रू मैकइंटायर भाई आ जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर आके कहते हैं कि क्यों ना मैं भी स्टोरी का पार्ट बन जाऊं, एंड ड्रू मैकइंटायर मारना स्टार्ट कर देते हैं रोमन को। अब रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर की ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है एंड इनके बीच में अच्छी खासी ब्रॉल होती है। अब सब लोग भाई रोक लेते हैं, एंड इससे पता लग चुका है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर भाई ये मैच होने वाली है, वॉर गेम्स ब्लड लाइन वर्सेज ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड ड्रू मैकइंटायर एंड एक और बंदा हो सकता है जो भी उनका होगा, क्योंकि सैमी जेन भी है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि अगर सैमी जेन नहीं होंगे तो इतने ही पार्टिसिपेंट होंगे। तो यही थी आज की रॉ, काफ़ी तगड़ी थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।